जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति मैं खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति मैं खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। नाव बोझल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही गम सताता मुझे। नाव बोझल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही गम सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति मैं खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति मैं खुद को चलूं। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम वे मोक्ष की भी जरूरत नहीं। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति मैं खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति मैं खुद को मिटाता चलूं। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर
चलूं, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। गर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका, फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। गर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका, फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रुकोबरे में गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे, नाम वो बताते थे जिनको नामदान कहा जाता है। आप इसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हो जो गुरु महाराज के नामदानी हो, लेकिन नाम की डोर को आप पकड़ नहीं पाए। आप गुरु पर भरोसा उतना ही किए कि आपकी तकलीफ दूर किया उन्होंने, आपकी समस्याओं को उन्होंने सुलझाया, उतने तक ही आप गुरु को समझ पाए। देखो
कर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुके, हर काय के मालिक तेरे नाम पर, इधर उधर मट्ठा पटकने लगे, पेड़ में पौधे में पत्थर में मट्ठा पटकने लगे, मनुष्य को ही सब कुछ जान लिया, आप उन्हीं को गुरु मान लिए, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम के फंद, आगे यमराज के फंदे का रास्ता खोल दिया आप कुछ लोगों ने इसमें, क्यों? क्योंकि मनुष्य को ही सब कुछ मानने लग गए, जो सब कुछ देता है उसको गए भूल, दूसरों से मांगने लग गए, दूसरों से अपने किए हुए कर्मों की तकलीफों को अनिसमझो कि दूर करने का उपाय मांगने लग गए, किसी ने कह दिया चले जाओ यहाँ तकलीफ दूर हो जाएगी, वहाँ चले गए, अब ये समझो कि एक जगह जो है सुख की तलाश में आदमी जाता है और कर्म ऐसा कर बैठता है कि दुख में बदल जाता, जैसे किसी ने कह दिया कि मुर्गा काट करके चढ़ा दो, बकरा काट करके देवी के स्थान पर चढ़ा दो, अब ये देवता ये यही देवता इस समय पर बहुत फलने फूलने वाले हैं और इन्हीं को फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाओ, यही तुम्हारी तकलीफ दूर करेंगे, तो तकलीफ भी दूर नहीं होती, और वहाँ पर जा कर के मुर्गा भी काट के चढ़ा दे, एक को पाप छूटे नहीं और लाद लिए 10 और, एक पाप तो अपना कटता नहीं छूटता नहीं और 10-20 और पाप लाट लेते हैं, और फिर जब तकलीफ आती है तब समझो कि जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता है तब समझो फिर गुरु को याद करना पड़ता है, आप जो पुराने सत्संगी हो आप इसी में फंस जाते हो, इसीलिए आपको यह मैं बता रहा हूँ, कारण क्या है, सत्संगों में नहीं आते हो, सत्संग नहीं सुनते हो, गुरु के बताए बातों को जाते हो भूल, भूल भ्रम का देश है, खाने पीने और ऐश आराम की चीज़ों को इकट्ठा करने में ही आप भूल जाते हो, तो जब गुरु के वचनों को भूल जाते हो और अपने ऊपर अहंकार आ जाता है, जैसे कोई बीमार हो और किसी डॉक्टर के पास गया दवा ले लिया थोड़ी ताकत आ गई तब फिर वो भूल जाता है, बीमार जब होता है तब याद करता है या भगवान या गुरु महाराज अब दया करो कृपा करो, अब कोई मिल गया कहा जाओ चले जाओ वहाँ, वहाँ से तकलीफ दूर हो जाएगी, गोली खा लो, गोली खाया तो सब फिर भूल जाता है, फिर उसको भूल गए तो बात को बोलना नहीं चाहिए। एक थे ना महात्मा जी, उपदेश क्या करते थे, उपदेश क्या करते थे तो कहा करते थे भाई ये काल का देश है और यहाँ का नियम है तो यहाँ के नियम का पालन करो, कोई ऐसा काम ना करो कि काल के नियम के खिलाफ हो, तो सुनते तो वो थे, विश्वास तो उनको था, हो गया था गुरु पर, लेकिन बातों को भूल जाते थे, अमल नहीं करते थे, तो ध्यान भी कर लगाते थे तो निकल गए चेला साहब के और बैठ गए कहाँ पर, ऐसे तीन रास्ता था तो उसी रास्ते पर बैठ गए, तीन तरफ जाता था उसी पर बैठ गए, ध्यान लगाइए, अब उधर से एक हाथी और पहलवानी आ रहे थे दोनों, हाथी बिगड़ा हुआ था, गुस्से में था, हाथी गुस्से में जब आता है तो वो कुछ नहीं देखता है, घर उजाड़ देता है, गाड़ियां अगर खड़ी रहे ऐसे तो गाड़ियों को पलट देता है, जो भी मिल जाए उस समय पर, वो समझो कि मार काट टोल फोड़ सबका डालता है, तो आप ये समझो हाथी बिगड़ा हुआ था, अंकुश में नहीं आ रहा था, पहलवान सवार था, पहलवान ने देखा कि महात्मा जी ध्यान लगा रहे हैं बैठे हुए, बोला महाराज हट जाओ हाथी बिगड़ा है कंट्रोल से बाहर हो गया, ये देखो बचा नहीं पाएंगे हम आपको इसलिए हट जाओ, सुना उन्होंने, लेकिन बोले कि हमारे गुरु जी कहा करते थे कि सब में प्रभु की अंश जीवात्मा है और जो समझदार होते हैं वो समझो इस चीज को समझते हैं, तो आत्मा आत्मा को कष्ट नहीं देता है तो हमको क्यों कष्ट देगा हाथी, उसके अंदर भी आत्मा है हमारे अंदर भी आत्मा, बैठे रह गए, अब हाथी आया गुस्से में तो उठा ही, तो उसने सूंड से इनको ढकेल दिया, अब गिरे जब टूटा घुटना और दांत टूटा जब तब गए गुरु के ऊपर बिगड़े,
कहे आपने ऐसा उपदेश कर दिया, ऐसी बात कहा आपने, क्या तो हमारी जान चली जाती। बोले क्या हो गया बच्चा? अरे बोले हाथी ने हमको सूढ़ सट कर दिया और देखिए हमारा घुटना ये टूट गया, दांत भी टूटा हमारा। तब बोले कि तो तू बच नहीं पाया? अरे कैसे हम बचे, बचते हम नहीं बचे, कह लिया उसने। तो कहना क्या है तुझको? तो कहा महाराज आप ही ने ऐसा उपदेश दिया कि सब में ब्रह्म है, सब में परमात्मा की अंश जीवात्मा है, आत्मा आत्मा को कष्ट नहीं देती है, तो वो कौन को कष्ट दे दिया ऐसा? तब कहा कि ये बता कि हाथी के साथ और कोई था? पहलवान था। कहा पहलवान क्या कह रहा था? कहा पहलवान कह रहा था कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो कहा हाथी में ब्रह्म था, तेरे में ब्रह्म था और पहलवान में भी तो वही था, तो उसका कहना तूने क्यों नहीं माना? अरे तेरा तो खाली घुटना ही टूटा है, तेरा तो दांत ही टूटा है, तुझको तो हाथी पैरों के नीचे दबा देता अगर संभाला न गया होता। तो आप देखो भटक जाते हो, भूल और भ्रम के देश में गुरु को आप भूल जाते हो। गुरु का हाथ पकड़ लो, गुरु माथे पर राखिए, चले आज्ञा मान, और कह कबीर तादाश काटी लोक बने। गुरु के बताए अनुसार अगर आप ध्यान लगाने लगो, गुरु महाराज के बताए अनुसार अगर आप भजन करने लग जाओ और अंतर में गुरु के रूप को अगर आप देख लो तो चकित हो जाओ, जैसे रानी इंदुमती चकित हो गई जब देखा कि सचखंड में बैठे हुए हैं कबीर साहब, कबीर की शिष्या थी। देखा तो कहा अरे आप ही सब कुछ कर रहे हैं, अरे आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते, मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, तू कहती मनुष्य शरीर में यह ताकत कहाँ से आ सकती है, इसलिए तुझको मैंने युक्ति उपाय बताया, नाम काय को जाप करने के लिए बताया, नाम की डोर को मैंने तुझको पकड़ाया और उसी डोर के सहारे ला करके मदद करके ये जलवा दिखाया, बोल मदद किया कि नहीं किया? छोका आप अगर मदद न करते तो कदम कदम पर रोड़े थे, कदम कदम पर फंसाव था, मैं तो अपने महल से ही न निकल पाती, पति के प्रेम से न निकल पाती, बच्चों से ही न निकल पाती, राजकाज के प्रेम में ही मैं फंसी रहती, धन दौलत का ही मुझे चक्कर रहता। तो आपने वहाँ से निकाला, सदगुरु मिले तो उभरे, अगर आप न मिलते तो मैं तो उभर नहीं सकती थी वहाँ। इसके अलावा जिन जिन लोगों से आप हमको निकाल करके लाए, वहाँ वज्र दरवाजे लगे हुए, वो तो खुल ही नहीं सकता था, मेरे बस का ही नहीं था, लेकिन आप अगर आ गए, आपको याद किया तो वो तो दरवाजे अपने आप खुलते चले गए, प्रयास भी नहीं किया, बिन प्रयास हुए भव भंगा, बगैर कोई अष्टांग योग किया, हठ योग किए, कुंडलिनियों को बगैर जगाए और मैं यहाँ पहुँच गई। क्योंकि वो साधना बड़ी कठिन थी, बहुत कठिन थी उस समय की त्रेता और द्वापर की, लेकिन आँखी मध्य पाँखी चमके जो आपने बता दिया कि आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है, ध्यान लगाओ, तो आप ये समझो कि मैं यहाँ पर पहुँच गई आपके उसी ध्यान लगाने की वजह से। लेकिन हम आपकी एक बात को याद रखें कि हमेशा आपको याद करती रही, मस्तक पर मैं सवार रखी आपको, फिर आप बराबर दया करते रहे। तो याद जब भूल जाती है किसकी? गुरु, तब वो दया भी करना ढीला कर देते हैं। इसलिए बराबर जब समर्थ गुरु मिल जाए, विश्वास हो जाए, तब फिर जो है बराबर याद करते रहना चाहिए कि जिससे काम बन जाए, और जो कुछ भी मांगना है गुरु से मांगो, क्योंकि सब तो मांगते रहते हैं, जिससे आप मांगते हो वो भी किसी से मांगते रहते हैं, देने वाला कौन होता है? धरणी जहनो देखिए तहलों समय विखार, और दाता केवल सदगुरु, दे न माने हार, जब देने लगते हैं तो हार नहीं मानते हैं, लेकिन लेने वाली जगह जाना पड़ता है, तो घर छोड़ करके कहीं, ऐसे तो आप ये समझो इस समय कोई जंगल में जाएगा तो गुरु की दया नहीं हो पाएगी, घर में ही हो,
जानकारी के लिए, सत्संग सुनने के लिए गुरु बराबर याद आते रहें। वो तो कहीं भी सत्संग हो, वक्त के गुरु के, वक्त के सदगुरु के, तो उनके पास जाना चाहिए। लेकिन आप ये समझो, अंतर के घाट पर अगर आप बैठना सीख जाओ, गुरु की दया लेना सीख जाओ, तो फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो दया का घाट क्या है, जो आप लोग नामदानी हो, सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर करते रहो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि करते हो, तो कुछ तो कहोगे करते हैं। पूछा जाए कुछ दिखाई सुनाई अंतर में पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग ना करोगे, नहीं करोगे। पूछा जाए क्यों, कहोगे मन नहीं लगता है, मन ही नहीं बैठने देता है, मन ही नहीं करने देता है, बैठता हूँ तो मन ही भगता रहता है। तो अलग अलग पूछा जाए कि आपका मन कहाँ जाता है, तो कोई कहोगे खाने की तरफ जाता है, कोई कहेगा सोने की तरफ जाता है, कोई कहेगा ऐश आराम की तरफ जाता है, कोई कहेगा धन की तरफ जाता है कमाने का, कोई कहता हमारा मन तो मार काट करने का, बदमाश बन करके नाम कमाने का, इनामी बदमाश बन जाऊँ, ऐसा मन कहता। तो समझ लो जिस चीज़ के लिए मन कहता है उसी से आपके मन से पाप हुआ है। तो वो जब तक पाप नहीं नष्ट होगा, पाप कर्म जब तक नहीं छूटेंगे, तब तक समझो छुटकारा नहीं हो पाएगा। तो पाप का नाश होता है, पाप एक ऐसी चीज़ है कि उसका नाश होता है, थोड़ी का भी नाश होता है। अगर देख लो कोई पुण्यात्मा है और पापी हो गया, तो नाश करना पड़ता है। पाप पूरे जब दोनों नाश है, तब पावे मुम प्रवास है, तब अपने लोग अपने घर पहुंच सकते हो। ये दोनों बंधन हैं और दोनों तरह से समझो कि यानी ये रहता है। जैसे मान लो कोई बहुत गंदा कपड़ा पहने हो, तो गंदा कपड़ा वाले को कोई पसंद करता, और कोई बढ़िया लकालक कपड़ा हो, एकदम से बिल्कुल सफ़ेद हो, बढ़िया मलमल का पहने हो। लेकिन ये नियम है कि तुमको नंगे होकर के यहाँ आना पड़ेगा, तब वो जो कपड़ा पहने रहा है रहेगा उसको भी नहीं जाने देंगे, कहेंगे नंगे होकर के आओ। अब आप ये समझो, ये सिखा दिया जाता है कि भाई नंगे पैदा हुए हो, याद रखो नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे, ये सारे के सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। जिसको आप बनाने में लगे हुए हो कोई साथ लेकर जाओगे, ऐसे ही ये जो धर्म करते हो आप या कर्म करते हो, ये पाप करते हो पुण्य करते हो, ये सब यही उतारना पड़ता है। कहाँ आगे चल के उतारते हो, स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओ, लेकिन उसके आगे जाना होगा तो वहाँ भी बिल्कुल निर्मल हो करके जाना पड़ेगा। चारों शरीर जो ये स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तब उस अपने निर्मल देश में पहुँच पाओगे, नहीं तो आप पहुँच नहीं सकते। संतों की परंपरा रही, वो कह करके जाते हैं, बता करके जाते हैं। देखो प्रेमी, तमाम ऐसे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं कि इशारा ही करके गए, और इशारा करके गए और तेजा, जिनको गुरु तेग बहादुर कहा गया, मक्खन शाह ने उनकी पहचान किया था, 22 गद्दियाँ बन गईं उनके जाने के बाद। और मक्खन शाह यानी व्यापारी था, वो गया हुआ था सामान खरीदने के लिए, जहाज भर के ला रहा था, और उसके जहाज जब डूबने लगी, गुरु को याद किया और संकल्प बनाया कि हमारी जहाज अगर बच जाए तो 500 अशर्फियाँ हम भेंट गुरु को करेंगे। जहाज बच गई, दया हो गई, क्या कहना रहता है। समुद्र से कह देते हैं, हवा से कह देते हैं, आप समझो मेघराज से कह देते हैं, उनको पावर होता है। मनुष्य शरीर में तो रहते हैं, लेकिन शक्ति ऊपर की काम करती है, तो ऊपर जो सबसे ऊपर जहाँ है, वो शक्ति जब मिल जाती है, वो मिल जाते हैं, तो ये सब उनके आदेश का पालन करते हैं। तो समुद्र देवता ने डुबोना बंद कर दिया, और बल्कि हवा दे करके पवन देवता उसकी जहाज को ले जा करके वहाँ किनारे लगा दिया। जब जान बच गई, तो यानी समझो गया माल बेचा, तो कहा चलो सबसे पहले गुरु का कर्जा अदा कर आऊँ। जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि गुरु हरिकृष्ण जी रही नहीं गए, वो तो चले गए।
पूछा कि भाई किसको बता गए हैं उत्तराधिकारी? बोले वो बाबा बकाला गांव में मिलेगा। बाबा बकाला गांव में गया, अब वहां पर मौका मिला लोगों को, शेदा लोगों को, तो अपनी अपनी लोगों ने गड्डियां बना ली, 22 गड्डी बन गई। अब मक्खन शाह जब पहुंचा तो सोचा कि भाई पहचाने कैसे और करें कैसे, दें किसको? मक्खन शाह ने सोचा लाओ 5-5 सर्फी सबको दे दें और चर्चा करें जहाज का, कोई बताएगा कुछ बोलेगा तो समझ जाएंगे। तो चर्चा सबसे किया और कोई नाम नहीं लिया और सर्फी सब रखते गए, सिर ठोकते गए, पैर ठोकते गए, सबको दे दिया। जब तब सोचा पता करें और कोई तो नहीं है, एक आदमी से पूछा कि भाई गुरु हरिकृष्ण जी का और कोई चेला है यहाँ? एक आदमी ने बताया वो बुढ़िया का घर है, उसके सामने एक कोठरी है, उसमें बैठा हुआ मिलेगा, वो टेगा है, टेगा जाओ वो टेगा मिलेगा। गुरु टेग बहादुर मशहूर हुए, गुरु टेग बहादुर को टेगा कहते थे गांव के लोग, कहे टेगा मिलेगा जाओ वहाँ अगर उससे मिलना है। तो गए, बैठे हुए थे मक्खन शाह, अब उन्होंने ध्यान में ही देखा कि बहुत देर से बैठा है, आया है, खोला आँख जब तो 5 सर्फी उनके सामने भी रखा। तब गुरु टेग बहादुर जो टेगा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने कहा और बाकी सर्फियाँ बाकी कहाँ गईं? तेरी जहाज जब डूब रही थी और जहाज बचाना था तब तो तूने कहा था 500 देंगे और अब तू 5 सर्फी दे रहा है, बाकी हमारी कहाँ गईं? अरे तुझको मालूम है कि तेरी जहाज बचाने में हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी? कुर्ता उतार करके दिखाया कि देख कंधे पर तेरी जहाज की कितनी कीलियों के निशान बने हुए, पीठ दिखाया कहा देख पीठ पर कितने निशान बने हुए हैं तेरे जहाज के कीली के, कितनी मेहनत करके मैंने उसको नीचे से ऊपर किया था, डूबने से बचाया था, तुझको मालूम है? पावर दे करके चले गए थे इनको, भजन करते थे, गुरु के आदेश का पालन करते थे। पुराने लोग आप ध्यान दो, गुरु महाराज ने आपको नामदान दिया था और सुमिरन ध्यान भजन बताया था, आप कितना करते हो, कैसे पहचान पाओगे गुरु को? गुरु को तो आप मनुष्य ही समझते रहे, उनको पहचान हुई, किसको पहचान हुई? गुरु तेग बहादुर को पहचान हुई थी, उनको अंतर में दया मिली थी, वो पहचान गए, वो समझो उनको पहचान गए अपने गुरु को, और गुरु ने उन्हीं को ताकत दिया और उसी ताकत से उन्होंने जहाज बचा लिया। किसका? मक्खन शाह का जहाज बचा लिया। अब आप ये समझो जब मक्खन शाह ने देखा तो कहा अरे यही तो अब असली है, कूदा उछला और चढ़ गया एकदम जोश में, किस पे? कोठरी जो थी, घर जो था उसके छत पर, और अपनी भाषा में बोला लघुरु लघो लघुरु लघो लघुरु लघो लघो गुरु लघो गुरु लघो, यानी गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। तो कभी कभी इशारा भी करके जाते हैं और कभी कभी सीधे बता करके जाते हैं, अधिकार अपना दे करके जाते हैं, तब वो नामदान दिया करते हैं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने दोनों बात कही थी, नए लोगों को नामदान देंगे, पुराने लोगों की संभाल करेंगे। तो आपको समझने की ज़रूरत है, जो पुराने लोग हो, गुरु की पहचान करो, गुरु की भक्ति करो, गुरुमुखता लाओ। अब पहचान कब होगी? हड्डी मांस के शरीर में तो पहचान नहीं पाए जो लोग, वही भूल और भरम में पड़ गए, भटक में पड़ गए, वो तो बस दुनिया की चीज़ों के चक्कर में ही आ गए, लेकिन अंतर में जो गुरु के रूप को देखा, अंतर में जो गुरु को पहचाना,
जिसने ध्यान लगाया उसने पहचाना, वो तो गुरुमुख हो गए, गुरु के आदेश पर काम करने लग गए, गुरु के काम नाम को आगे बढ़ाने में लग गए और अपना भी काम करने में लग गए, भजन करने लग गए, ध्यान करने लग गए, जीवात्मा के कल्याण में लग गए। तो गुरु की पहचान जब बराबर ध्यान लगाते रहोगे, तब जब भजन करते रहोगे, गुरु की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तब आपको गुरु की पहचान हो पाएगी। कहने का मतलब यह है कि बराबर जो गुरु महाराज कहा करते थे कि सुमिरन ध्यान भजन बराबर करते रहना। अब सुमिरन ध्यान भजन में अगर मन न लगाए तो समझो कि शरीर से पाप बन गया है, चाहे जान में बन गया चाहे अनजान में बन गया, तो उसके लिए सेवा करो, प्रचार प्रसार करो। गुरु महाराज जो काम दे करके गए कि लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, लोगों को सदाचारी बनाओ, लोगों को ब्रह्म में विचरण करने वाला बनाओ, लोगों को सतयुग देखने के लायक बनाओ, तो इस काम में लग जाओ, उससे मन आपका लगने लगेगा। अभी तो मन कहाँ लगा है, दुनिया की चीज़ों में लगा है, दुनिया के खुराफात में लगा है। उधर से जब मन हटेगा, जिधर इस शरीर से काम करोगे उधर मन लगेगा, तो मन फिर भजन में भी लगने लग जाएगा। हमको अभी खबर मिली है कि हम लोग प्रचार करेंगे शाकाहारी का, टोली निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, हम धर्म यात्रा निकालेंगे जीवों के कल्याण का। हमको बहुत अच्छा लगा, तो आप निकालो। देखो पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा को कोई ना कोई यानी काम बताया जाता है प्रेमियों को, नए लोग हो समझो आप। तो अभी बताया गया था कि शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से करो, तो आप उसको कर रहे हो, योजना बनाए हो, और आप ये सोच रहे हो कि हम मध्य प्रदेश की राजधानी में उसका समापन करेंगे पूर्णिमा को, और जिसमें आपने हमको भी निमंत्रण दिया है, तो मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। और गुरु महाराज की दया मौज रही, स्वास्थ्य सही रहा, तो मैं भी आपके शाकाहारी नशा मुक्त इस अभियान में यानी समापन समारोह में मैं भी उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसे ही सब लोगों को योजना बना लेनी चाहिए, तो योजना आप लोग बनाइए और शाकाहार का और नशे मुक्त का प्रचार करिए। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600070। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।